हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सॉल्यूशन। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और मेरी न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला मेन्यू के अंदर। फॉर्मूला मेन्यू के अंदर बात करेंगे हम कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन फंक्शन का यूज किस प्रकार होता है। अब जैसे हमने इसके अंदर कोई टेबल बना रखी है, अब इस टेबल के अंदर हम जैसे कोई फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी चीज़ का, तो उस प्रकार उसे क्या है कि एमएस एक्सेल अपने आप ऑटोमेटिक ले लेता है। तो उसी प्रकार इसमें हम कैलकुलेशन में बात करेंगे। कैलकुलेशन में क्या है कि ये तीन तरह से लेता है हमारा एमएस एक्सेल, जो हमारा रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को जो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके अंदर देखिए जैसे तीन दे रखे हैं ऑप्शन। फर्स्ट तो ऑटोमेटिक है, जैसे जिस प्रकार जो भी फॉर्मूला लगाया वो ऑटोमेटिक प्रोसेस कर लेता है एमएस एक्सेल, जिस प्रकार फॉर्मूला टाइप किया और ऑटोमेटिक ले लिया। फिर सेकंड क्या है, ऑटोमेटिक एक्सपर्ट फॉर डाटा टेबल्स। तो ये क्या है, ये पूरे टेबल्स का एक प्रकार ऑटोमेटिक एक्सेप्ट से सीट तैयार करता है। ये इस प्रकार शो करता है कि अपने आप ही हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, उस प्रकार शो करता है। इस चीज़ का यूज़ हम ऑटोमेटिक एक्सपर्ट का यूज़ अलग से ये हम बताएंगे आपको यूज करके। फिर थर्ड क्या है इसके अंदर, मैनुअल। मैनुअल में क्या है कि हम जैसे फॉर्मूला लगा लिया, जो रिकॉर्ड आ गया तो वो हमें मैनुअल तरीके से शो करेगा। हमने जैसे जो फॉर्मूला लगा रखा है तो उसमें जो वैल्यू आई वही वैल्यू हमें सभी सेल में शो करता है मैनुअल करने पर। तो हम जैसे एक बार ये हम कोई भी टोटल नहीं कर रखा यहाँ, फिर हम ये ऑटोमेटिक से एक बार अनक्लिक कर देते हैं और मैनुअल पर क्लिक कर देते हैं। कैलकुलेशन पर मैनुअल पर क्लिक कर देते हैं कि हमने मैनुअल ले लिया। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे इक्वल टू, फिर हमें जैसे यहाँ प्रोडक्ट ले रखे हैं और क्वालिटी इतनी है, जैसे 10 कंप्यूटर लिए हैं उनकी प्राइस रेट ये है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये सेल ले लिया मल्टीप्लाई, फिर ये सेल ले लिया और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए इन दोनों के सेल की मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गई है। इसी वैल्यू को हम पूरे को ट्रैक कर लेते हैं। अब तो ये देखिए, अब इसमें क्या शो कर रहा है, हमें ट्रैक करने पर ये सारी वैल्यू सेम शो कर रहा है। जो हमारी फर्स्ट में वैल्यू आई थी वही वैल्यू हमें सभी में शो कर रही है। हमें ये वैल्यू पूरी पूरी सेम क्यों शो कर रही है, क्योंकि हमने फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेशन में मैनुअल पर क्लिक कर रखा है। मैनुअल करने पर ये इस प्रकार शो करती है हमें वैल्यू। अगर इसे हम ऑटोमेटिक करेंगे, ये देखिए हम ऑटोमेटिक करते हैं अब, तो इस प्रकार ये देखिए इनका जो वैल्यू होती है वो शो करती है ऑटोमेटिक करने पर। इसमें नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन फंक्शन के अंदर कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट नाउ का मीनिंग क्या है, ये कैलकुलेट पूरे वर्कशीट में यूज करेगा। ये पूरी वर्कशीट में आप किसी भी शीट पर यूज कर सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3 किसी पर भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेट नाउ का। अगर हम इस पे कैलकुलेट शीट पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ ओनली जिस शीट पर हम वर्क कर रहे हैं ये उसी शीट पर वर्क करेगा, ये अन्य शीट पर हम शो करके नहीं दिखाएगा। टोटल जो भी फॉर्मूला लगाएंगे हम कैलकुलेट शीट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे इनका टोटल करते हैं। तो इनका टोटल करने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इनका टोटल करना हमें, तो ये सभी वैल्यू ले ली, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस। तो ये चीज़ हमें इस प्रकार शो हो रही है, हमने क्योंकि कैलकुलेट शीट पर क्लिक किया था तब इस प्रकार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और मेरे चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।